So, hello guys, स्वागत है आपके हमारे चैनल में स्क्रैम द बी स्पोर्ट्स। यहाँ बोलता है फुटबॉल से रिसर्च ट्रांसफर रिजल्ट ट्रांसफर रिमूव्स। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले एक बिग शाउट आउट टू विनम्र शर्मा एंड इन्होंने कुछ न्यूज हम लोगों को प्रोवाइड किया है। सो थैंक्स अ लॉट टू विनम्र शर्मा एंड इनका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम को लेके। सो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के जो रिमेनिंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस है वो स्टार स्पोर्ट्स 3 में टेलीकास्ट किया जाएगा एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी आप देख सकते हो, जो कि मैं बोलूंगा काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस है वो लोग इस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं एंड काफी देख के भी अच्छा लग रहा है कि सब सामने आके बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया था AIFF के ऊपर एंड इसी के कारण इस बार बिना किसी प्रेशर के ही AIFF ने पहले से ही एक डिसीजन ले लिया कि स्टार स्पोर्ट्स को जो टेलीकास्टिंग राइट्स है वो दे दिए, जो कि मैं बोलूंगा काफी ज्यादा बढ़िया चीज है एंड मैचेस देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जून महीने में मैचेस है एंड काफी ज्यादा देखने लायक हो कि नेक्स्ट ये जो 3 मैचेस बाकी है इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सिलेक्शन जा रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। तो मुंबई सिटी एफसी करेंटली बात कर रहे हैं डेविड फेरिरो के साथ। तो डेविड फेरिरो जो कि राइट विंग पोजीशन के प्लेयर, इनका एज 33, इनका करेंट क्लब है एसडी ह्यूएस का जो कि लालीगा का क्लब है एंड इन्होंने लालीगा में 36 मैचेस खेला है एंड 2 गोल किया है एंड 4 असिस्ट। ओके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट हाँ लालीगा में खेला ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बात है एंड हुएस्का का के हर एक मैच खेला, मतलब हुएस्का ने जितने भी मैचेस खेला है अभी तक सारे मैचेस में ये थे। सो डेफिनेटली इससे पता चल जाता है कि काफी ज्यादा बड़े प्लेयर है एंड हुएस्का में ही इनका बेस्ट परफॉर्मेंस भी रह चुका है एंड इनका करेंट मार्केट वैल्यू भी काफी ज्यादा अच्छा ही है मैं बोलूंगा। एंड अगर इंडिया में आते तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़िया साइनिंग होगा मुंबई सिटी एफसी के लिए एंड सिटी ग्रुप अपना 100% कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट सीजन मुंबई सिटी एफसी को एक बहुत ज्यादा तगड़ा टीम वो लोग बना के दे जो कि एसी चैंपियंस लीग में अच्छे से खेले एंड शायद नॉकआउट स्टेज में चले जाए, बट वो काफी ज्यादा अलग बात होगा एंड बहुत बड़ा बात होगा एंड इसी के कारण सिटी ग्रुप अपना 100% यहां पे डाल रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है एंड उनका भी अच्छा खासा एक प्रमोशन हो ही रहा है। सो डेफिनेटली सिटी ग्रुप 100% ट्राई कर रहा है एंड नेक्स्ट सीजन मुंबई सिटी एफसी कैसा परफॉर्म करता है ये काफी ज्यादा देखने लायक चीज होगा एंड जिस हिसाब से अपने टीम में लाना चाहते ऑन अ लोन डील, ये उनका सेकंड ऑप्शन है एडु गार्सिया एंड अगर वो किसी एक प्लेयर का साइनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते जिसका नाम सामने निकल के नहीं आया तो वो एडु गार्सिया का साइनिंग कंप्लीट करेंगे ऑन अ लोन डील एंड एडु गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट एटीके मोहन बगान के साथ 2022 तक है। सो मेरे सबसे हाँ ये डील हो सकता है, मेरे सबसे एटीके मोहन बगान एडु गार्सिया को कोई दूसरे क्लब में ही भेजना ज्यादा प्रेफर करेंगे एंड एडु गार्सिया जो कि एक लेफ्ट विंग पोजीशन के प्लेयर, इनका एज 31, काफी ज्यादा बढ़िया प्लेयर रह चुके हैं एंड इनका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस अच्छा था, मतलब ठीक है 90 मिनट्स खेलने के लिए वो लोग फिट नहीं है बट ओके लास्ट 25 मिनट्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। सो डेफिनेटली इनका साइनिंग अच्छा होगा केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए, बट 90 मिनट्स के लिए डेफिनेटली एडु गार्सिया एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं है इनके पास। 45 मिनट्स या 60 मिनट्स तक खेल सकते हैं बट 90 मिनट्स के लिए तो नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है कि 90 मिनट्स खेलने के लिए एडु गार्सिया अभी तो उनका जो फिटनेस लेवल है वो नहीं खेल सकते 90 मिनट्स, देखते क्या होता है। सिलेक्शन आ रहा है जोनाथन सोरियानो की तरफ से। तो जोनाथन सोरियानो के ऊपर जैसे एफसी गोवा इंटरेस्टेड है उसी के साथ साथ जमशेदपुर एफसी एंड ATK मोहन बगान भी इंटरेस्टेड है जोनाथन सोरियानो के ऊपर एंड जोनाथन सोरियानो जो कि एक सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर, इनका एज 35, काफी ज्यादा कमाल के प्लेयर है जोनाथन सोरियानो एंड इनका रीसेंट परफॉर्मेंस एवरेज, बिलो एवरेज ही बोलूंगा मैं, उतना अच्छा नहीं रहा है, उनको प्ले टाइम भी नहीं मिल रहा है जो कि मैंने पहले एक वीडियो में बोल रखा है कि उनको प्ले टाइम नहीं मिल रहा है एंड उनको प्ले टाइम चाहिए, मतलब हर एक प्लेयर को, एक अच्छे खासे प्लेयर को प्ले टाइम चाहिए एंड उनको अपने आप को प्रूफ करना है। तो इसी के कारण वो इंडिया में आना चाहते हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पे उनको एक प्रॉपर प्ले टाइम तो डेफिनेटली मिलेगा एंड ATK मोहन बगान में वो कहाँ पे खेलेंगे हाँ इसको लेकर डाउट है, डेफिनेटली काफी बड़ा डाउट है। हो सकता है कि डेविड विलियम्स की जगह को खाली कर दिया जाए या फिर डेविड विलियम्स को कोई दूसरे क्लब में भेज दिया जाए एंड जोनाथन सोरियानो को वहां पे खिलाया जाए, हो सकता है। जमशेदपुर एफसी में डेफिनेटली जोनाथन सोरियानो का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि निर्जस वाल्सकिस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है लास्ट सीजन, वन सीजन वंडर हम लोग बोल सकते हैं निर्जस वाल्सकिस को एंड डेफिनेटली जोनाथन सोरियानो ने काफी बड़े बड़े क्लब्स में खेला है, रेडबुल सेल्सबर्ग, जिरोना, अल हिलाल,
स्पेनियोल जैसे क्लब्स में खेला है, सो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इनके पास, एंड एफसी गोवा भी इस रेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पोजीशन में है। सो हो सकता है जोनाथन सोरियानो एफसी गोवा में आ जाए या फिर वो कोई दूसरे क्लब में चले जाए, बट हाँ इंडिया में उनका आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, एंड एज बिकॉज हम सबको पता है कि एफसी गोवा में उनको एक प्रॉपर प्ले टाइम मिलेगा। एटीके मोहन बगान में उनको बेंच में बैठाया जा सकता है, एज अ सब्स्टिट्यूट उनको लाया जा सकता है। जमशेदपुर एफसी में मेरे हिसाब से उनको फर्स्ट 11 में तो मौका मिल ही जाएगा। सो हो सकता है या तो एफसी गोवा या फिर जमशेदपुर एफसी, इन दोनों क्लब में उनका जाने का चांसेस ज्यादा क्योंकि उनको प्ले टाइम चाहिए। सर देखते क्या होता है। तो इसी तरह इगोर एंगुलो की तरफ से, तो इगोर एंगुलो के पास ऑफर है ब्रिस्बेन रोवर का, एंड डेफिनेटली एफसी गोवा छोड़ सकते इगोर एंगुलो, चांसेस काफ़ी ज़्यादा। इगोर एंगुलो ने खुद बोला है कि वो दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, एंड ब्रिस्बेन रोवर ने इगोर एंगुलो को ऑफर भेजा है। डेफिनेटली इगोर एंगुलो बहुत ही कमाल की बॉक्स स्ट्राइकर है, मतलब इंडिया में खेले जाने वाले वन ऑफ द बेस्ट बॉक्स स्ट्राइकर में से एक ही इगोर एंगुलो, एंड जिस हिसाब से लास्ट सीजन में इगोर एंगुलो ने गोल किया था, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था। एंड जुआन फेरांडो ठीक अपने कॉन्टैक्ट से अच्छे खासे प्लेयर्स ढूंढ सकते हैं, एंड मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन भी अगर इगोर एंगुलो एफसी गोवा में नहीं आते तो हम लोग को ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाला है नहीं, क्योंकि जॉन फेरांडो के ऊपर इतना तो ट्रस्ट है कि वो कैसे ना कैसे करके उससे भी शायद बढ़िया प्लेयर वो ला दे। उस सर्किट में ऑलरेडी काफी टाइम से रह चुके हैं, उनको पता है कौन सा प्लेयर यहाँ पे आके अच्छा खेल सकता है। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड जुआन फेरांडो जैसे कोचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक टीम को नहीं एक कंट्री के प्लेयर्स को भी बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इगोर एंगुलो अगर एफसी को छोड़कर चले जाते तो दूसरा प्लेयर का ऑप्शन डेफिनेटली जुआन फेरांडो के पास होगा। सर देखते क्या होता है। सिलेक्शन इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में आज रियल मद्रिद, तो रियल मद्रिद करेंटली बात कर रहे हैं मैक्सिमिलियानो एलिग्री के साथ। सो मैक्सिमिलियानो एलिग्री एक इटालियन कोच है, काफी ज्यादा बढ़िया कोच है मैं बोलूंगा मैक्सिमिलियानो एलिग्री। बहुत टाइम पहले उन्होंने कोचिंग छोड़ दिया था, मतलब छोड़ा नहीं था, उनके पास कोई क्लब नहीं था, लास्ट क्लब उनका जुवेंटस था, एंड उन्होंने एसी मिलान को भी मैनेज किया है। सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस है उनके पास, अच्छे कोच है, जिदान के लेवल के कोच शायद नहीं है बट अच्छे कोच है मैं बोलूंगा। एंड डेफिनेटली ये काफी देखने लायक चीजों का कि क्या एलिग्री रियल मद्रिद में आते नहीं। तो एक्चुअली प्रीमियर लीग की तरफ से, तो कल प्रीमियर लीग में मैच था लेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच में बोलूंगा। फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन 0-0 था, एंड लिटरली काफी ज्यादा खराब लग रहा था टीमो वर्नर के लिए। दो गोल किया, एक हैंडबॉल एक ऑफसाइड, एंड दोनों ही गोल नहीं दिया गया, बट टीमो वर्नर का परफॉर्मेंस कल के मैच में काफी ज्यादा एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिख रहा था, एक पॉजिटिव अप्रोच जो कि काफी मिसिंग था टीमो वर्नर से। एंड थॉमस टुचेल डेफिनेटली एक अच्छे कोच है, एंड वो जानते हैं किस प्लेयर से क्या निकालना है, एंड उन्होंने प्रॉपरली निकाला है। मेसन माउंट का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था मैं बोलूंगा, एंड पुलिसिच तो है, डिफेंस भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, बट जो गोल कंसीड किया है चेल्सी ने वो काफी ज्यादा खराब गोल कंसीड किया है, क्योंकि इतना ओपन डिफेंस अचानक से हो गया था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उन्होंने हाई प्रेसिंग में गोल किया था, नहीं, मैच पूरा डोमिनेट किया था चेल्सी ने, बट उसके बाद भी इतना खराब डिफेंसिव एरर के कारण चेल्सी ने एक गोल कंसीड किया जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, बट उसके बाद चेल्सी ने काफी ज्यादा हार्ड कोर डिफेंस किया है, एंड गोल हो सकता था, लेस्टर एक और गोल कर सकता था, स्कोर लाइन 2-2 हो सकता था, बट सैडली वो गोल नहीं कर पाए, एंड काफी बढ़िया चांस भी मिल गया था क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका था तब तक। बट हाँ 75 मिनट्स तक तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेल्सी ने लिटरली डोमिनेट किया है कल के गेम को, एंड चांसेस यही ज्यादा है, मतलब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि चेल्सी यूएफए चैंपियंस लीग खेलेंगे। एंड लेस्टर के लिए भी एक चांस है कि अगर वो लास्ट मैच टॉटनम के अगेंस्ट में अगर वो हरा देते टॉटनम को तो वो भी यूएफए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब लिवरपूल के लिए खराब न्यूज है कि अगर लास्ट दो मैचेस वैसे भी अगर लिवरपूल गलती से भी ड्रॉ या फिर हार जाते तो वैसे भी वो बाहर है कॉम्पिटिशन से। तो काफी कुछ अभी मैटर करता है क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्लब यूरो खेलेंगे ये अच्छा भी नहीं लगता, एंड ये मैटर भी नहीं करता लिवरपूल के मैनेजमेंट को क्योंकि ये इतना बड़ा जो टीम है इसको सिर्फ यूरो खेलने के लिए नहीं बनाया गया। मतलब एक डिफेंडर का कमी कितना ज्यादा एक टीम को इफेक्ट कर सकता है ये साबित हो गया, एंड वर्जिल वैन डाइक किस लेवल के डिफेंडर है ये भी प्रूव हो गया। सो काफी कुछ हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड ये मैच काफी ज्यादा अच्छा मैच था। सो देखते कि यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल आ रहा है सामने, एंड चेल्सी ने ये मैच जीता है सो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड मैनचेस्टर सिटी ने लास्ट मैच हारा है बेसिकली
लिए कल का जो मैच था मैनचेस्टर सिटी का 3-2 से हार है, काफी खराब लगा ब्राइटबर्न से हार गए मैनचेस्टर सिटी, बट जो भी हो फर्स्ट टीम नहीं था, डी ब्रॉयने नहीं था बेसिकली टीम में, बट जो भी हो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगा कि यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल कौन जीतता है। सब बात करते हैं दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई करेंटली इंग्लैंड के जो क्रिकेट एसोसिएशन उसके साथ अभी बात कर रहे हैं, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर एक सॉफ्ट क्वारंटीन वो लोग रख सके, तो मतलब एक लॉन्ग टर्म क्वारंटीन नहीं, एक सॉफ्ट क्वारंटीन हो, एंड बीसीसीआई उसको लेकर अभी नेगोशिएट कर रहा है इंग्लैंड के साथ। एंड इंडियन क्रिकेटर्स को मैं सबसे सॉफ्ट क्वारंटीन कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वो लोग ऑलरेडी 2 हफ्ते का काफी ज्यादा हार्ड क्वारंटीन करके उसके बाद इंग्लैंड में जा रहे हैं। सो यार दिखते क्या होता है। सर इसी तरह रॉजर फेडरर की तरफ से, तो रॉजर फेडरर जिनेवा ओपन से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि रॉजर फेडरर 2 महीने बाद मैच खेले एंड वो हार गए, एंड काफी खराब बात मैं बोलूंगा, बट जो भी हो रॉजर फेडरर जिनेवा ओपन से बाहर हो चुका है, एंड पता नहीं नेक्स्ट टूर्नामेंट में रॉजर फेडरर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।